किया अनुमान था मंदिर अपना। स्टेशन पहुंच गए भाई, वेलकम टू जंक्शन। गुड मॉर्निंग यार, सुबह का देखो 3:24 हो रहे हैं। मेरे फोन में लाइन आ गई है, तो उसको छोड़ो, मैं टाइम दिखा रहा हूँ। 3:25 हो रहे हैं सुबह के और नींद खुल गई है मेरी। 5:30 में हमारी ट्रेन है। ये जो एपिसोड होने वाला है, ये हम ना कार से करेंगे, ना बाइक से करेंगे, ना जब तामझाम से करेंगे। ये मैं पहली बार ट्रेन से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ देवघर भोलेनाथ के पास। जय भोलेनाथ। तो 3:25 हो चुके हैं, 5:30 में ट्रेन है, 4:30 तक घर से निकलना है। तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, नहा वहा के निकलते हैं भाई 4:30 तक, नहीं तो फिर हो जाएगा लेट। घर होता हूँ नहा के यार, नींद आ रही है। चलो फिर मिलते हैं, नहा वहा के फ्रेश होके निकलते हैं, फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय भाई। 4:00 और 4:00 अब मुठ गए। बताया था आपको 3:25 में नहा वहा लिया, फिट हो गया, ब्रश करके अच्छे से रेडी हो गया मैं। रैपिडो से ऑटो बाइक या कुछ भी टैक्सी जो मिल जाए जल्दी से बुक करता हूँ और निकलता हूँ स्टेशन की तरफ। सब लोग सो रहा है, चिक्की सो रही है, ओह अंधेरा हो गया, चिक्की की मम्मी सो रही है, सो रहे हैं और हम चलते हैं भाई। चलो भाई चले, हम लोग चले। टेलीफोन ले लिया, पर्स ले लिया। दर्द की वो देखो, पहली बार कोई वीडियो बनेगा ऐसा टूर का जिसमें वो नहीं रहेगा हमारा रेड पर्ल फोनिक्स और धनु की, तो कोई गाड़ी की इसकी तो बनी नहीं है, हमारे एवेंजर की कोई वीडियो। वैसे पानी बोतल खो गए यार, वो नहीं दिया जाए। वाओ दर्द की दवा तू, दर्द की तो जब टूर बनी रही है बाय ट्रेन बाय पब्लिक कन्वेंस, तो रैपिडो बुक नहीं किया। एक बार ट्राई करता हूँ कि ऐसे मिलता है कि नहीं ऑटो इस समय 4:15। उससे फ़ायदा क्या होगा, तो ज़्यादा मजा आएगा ऑटो का इंतजार करने में, नहीं तो फिर तो रैपिडो बुक कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो। भाई अभिषेक आ गया क्या? चलो चल के हो, ओटीपी दे दियो ना। 3093। तो सुबह 4:00 निकलने का मजा ही कुछ और है। सड़कें पे तो बारिश पड़ी हुई है, बहुत तेज बारिश हो रही है पटना में, मौसम बहुत अच्छा है। देखो बादल की हालत क्या है, आप देख सकते हो। तो आधे घंटे में मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मौसम मतलब यार औसम है, मौसम बहुत ही अच्छा है, क्या मस्त नज़ारा है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, हर तरफ मज़ा आ रहा है। ये हमारे पटना के आनबान शान, हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर और ये सामने स्टेशन है। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ, टाइम करीबन अभी 4:45 हुए हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म में 5 पे आ चुका हूँ। ये सामने मेरी ट्रेन लगी हुई है, जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो पटना से हावड़ा के लिए जाती है। ट्रेन नंबर 12024 है। 5:30 में यहाँ से खुलेगी और अप्रॉक्स 9:00 तक वहाँ पहुँचाएगी। अभी से अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? अरे रुको, तो एक घंटा पहले से ट्रेन में बैठा हुआ है। तुमको ट्रेन का हवा पसंद है अभी से बैठा हुआ?
लो भाई, सफर खत्म हुआ, जैसे स्टेशन पहुंच गए। अरे पहले उतरने दो ना भाई। लगेगा नहीं, ले चलोगे ना कि लगा देगा? कितने चले थे भाई? 5:30 में चले थे ना, 9 बजे तो पहुंचा दिया। बड़ा कम है टाइम, 3.5 घंटे। बढ़िया है, यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा और यहाँ से आपको रिजर्व ऑटो भी मिल जाएगा, 150 में रिजर्व। शेयरिंग का क्या प्राइस है? 20 रुपये। शेयरिंग ऑटो कैसे जाता है? 20-30 रुपये मुड़ी घोड़ा फिरी है ना, वही रेट होगा। हो गया टेम्पो भैया, एक एक क्वेश्चन जब वो सब में हम नहीं जब, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी सब जाता है का भाई? ये JCT स्टेशन, मेन स्टेशन उस साइड में, उधर जो बिल्डिंग दिख रही है ना वहाँ है। हम लोग पीछे थे तो पीछे से निकल लिए। यहाँ से ऑटो आसानी से मिल गया, 150 रुपया लेगा JCT से देवघर चौक पे छोड़ने का। चौक से मंदिर 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब मिलते हैं आपको ऑटो में। तो भाई जैसा बोले थे ना, इस बार हम लोग पब्लिक कन्वेंस ही यूज करेंगे सारा का सारा। इतना गाड़ी लगा ना बाइक, पहले ऑटो से फिर ट्रेन से और फिर से ऑटो, जैसा पब्लिक कन्वेंस रहेगा ना भाई। आम जनता की सवारी जो है वही लेना है, उसी से चलना है, आम जनता की तरह। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, आगे के एपिसोड में आपको दिखाता हूं मंदिर और बाकी चीजें। तो मंदिर पर सिर्फ एंट्री हो गया भाई हम लोग का, सुबह पूजा वूजा हो गया था, इस समय सिर्फ शूट करने आए। फिलहाल हम लोग हैं त्रिकुट पर्वत पे, यहाँ बंदर बहुत है तो ज्यादा रिकॉर्डिंग यहाँ हो नहीं सकती है, बहुत ज्यादा बंदर है यहाँ पे भाई। ये है बासुकीनाथ मंदिर, 45 किलोमीटर पड़ेगा देवघर से, और अगर आप ऑटो से आते हो तो 1.5 घंटा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अपनी गाड़ी से आओगे तो वही 75 टू 70 मिनट्स लगेंगे आपको।